Local or global? Dono. Ekdam desi style food, but with gora to it. Only on Aplus. अस्सलाम जनाब, वेलकम टू द शो. उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे. रोजे आपके फर्स्ट क्लास जा रहे होंगे. रोजों में जहाँ बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, मुझे लगता है एक चीज मैंने लास्ट टाइम बनाई थी और उसकी फरमाइश बहुत थी, वो है लोबिया. लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोबिया. अच्छा, ये बाजार में टिन में आती ना लें, घर पर उबाल लें. मेरे पास कुछ दो कप है उबली हुई है. उबालने के लिए बेहतरीन तरीका ये कि इसको आप पानी में सोख कर लें, कोई मुश्किल से आधे घंटे पौन घंटे, डिपेंड करता है कैसी लोबिया. बात शायद लंबा टाइम लगे और ये आधे घंटे में उबल जाती है. अगेन हलवा नहीं करना है इसको. देख लीजिएगा, शायद कहीं कहीं टाइम ज़्यादा लगे, बस लोबिया भी ख़राब होती हैं. तो अच्छा जी, आज हम लोबिया मसाला बना रहे हैं. ये समझो ऑलमोस्ट लाइक ए चाट, थोड़ा रनी चाट होगा विद द सॉस. और मैंने प्याज को, एक अदद प्याज को बारीक काट लेते हैं. बहुत आसान रेसिपी है, ईजी रेसिपी है. इट बी अ वेरी गुड एडिशन टू योर आपके इफ्तार मेन्यू पे. मुझे लगता है हम चाट, चने की चाट खा खा के थक जाते हैं, तो वी शुड हैव वैरायटी. और ये इतनी मज़ेदार है कि इसको आप सफ़ेद चावल ले, इसको डालें, सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं और वैसे ही इसको खा सकते हैं. अगेन तो यू डोंट रियली नीड एनीथिंग. थोड़ी सी मैं पापड़ी डालूंगा. अगर आपके पास पापड़ी हो तो मंगवा लीजिएगा, नहीं तो पापड़ी जरूर डाल दीजिएगा, अच्छा मज़ा आएगा. अच्छा जी, यहाँ पे काम करते हैं कि थोड़ा सा मैं एक बर्तन में पहले पानी लेता, मैं चीज़ें तैयार कर रहा हूँ. ठीक है, एक छोटी प्याज ली, ऐसे आपने आधा कप पानी लिया, उसमें हल्के हाथ का एक खाने का चम्मच, सही है, भर के नहीं ले रहा, आपने डाल दिया लाल पीसी मिर्चें, जीरा पाउडर, ये भी कोई एक खाने का चम्मच, थोड़ा सा एक खाने का चम्मच जीरा पाउडर, साथ साथ धनिया पाउडर हल्के हाथ का, अगेन एक खाने का चम्मच. मुझे लाल कुटी मिर्चें बहुत पसंद हैं, तो मैं थोड़ी सी डालूंगा, एक चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें, आधा खाने का चम्मच हल्दी और गरम मसाला, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, सही जी, काला नमक, ये तकरीबन आप एक चौथाई चाय का चम्मच डालेंगे काला नमक. और ये आपने क्या करना है, तमाम चीज़ें डाल दी इसके साथ, यस डाल दिया, तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए कोशिश करें, ज़रा पहले से बना के रख लें. मसाला जान है पूरी रेसिपी की. अब यहाँ पे जब तक ये हो रहा है, बर्तन पतीला फ्राइंग पैन कढ़ाई जो आपको पसंद हो वो ले लें, और इसके अंदर हम डालेंगे हबीब सुपर ऑयल, सुपर हबीब ऑयल. और मैं ले रहा हूँ कोई 3-4 टेबलस्पून ले रहा हूँ उसके, सही जी, ये ले लिया. और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी ऑयल में थोड़ा सा हम ये जो प्याज हमने डाली थी इसको हल्का सा कच्चा पक्का कर लेंगे. अगेन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चा पक्का करना है. और साथ साथ जब तक ये हो रहा है, मैं इसमें, अब डिपेंड करता है हरी मिर्चें कितनी तेज हैं आपकी, तेज वाली मेरे पास में हरी मिर्चें, तो मैं इसमें से दो डालूंगा. आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर. दो हरी मिर्चें ले ली, एक काम करता है, हरी मिर्चें मेरे हाथ में ना लगे, मैं अपनी छुरी को हाथ को भी वॉश कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास है लेमन मैक्स, लेमन मैक्स टब में आता है, कहता है लेमन मैक्स कुछ भी ना हो वेस्ट, लेमन मैक्स जो पेस्ट है वो वेस्ट नहीं करता, अच्छा साफ कर देता है. यहाँ पे छुरी भी आपकी फर्स्ट क्लास साफ हो गई है, ताकि मिर्चें मेरे हाथ में ना लगे. ये हो गया, और यहाँ पे ज़रा थोड़ा आपने कच्चा पक्का करना है, सही जी, हाय हाय हाय. अगेन बहुत अगेन ब्राउन नहीं करना, बड़ा मेक श्योर कि ब्राउन नहीं कीजिएगा इसको आप. यहाँ पे
बस आपने इसको कच्चा पक्का करना, थोड़ा सा हल्का सा आपकी ये नरम हो जाए आपका मसाला। देखिए कैसा हो गया, जबरदस्त। इसमें करी पत्ते 8-10 करी पत्ते, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको आपने 8-10 करी पत्ते इसको आपने पहले ऑयल में कड़कड़ाना है, इससे पहले कि आप इसमें कोई पानी डालें ताकि खुशबू की नहीं आएगी। तो तेल के अंदर खुशबू की अच्छी आती है, हाँ थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं, जबरदस्त। अब ये प्याज, ये रोज़ा तोड़ेगी पहली बार। ये प्याज आपकी हल्की सी कच्ची पक्की हो रही है। अब ये जो पानी आपने मसाले वाला बनाया था इसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं। अब जरा इसको हम मसाले को भुनेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, तेज आंच ना करें, आंच हल्की रखें। जितना हल्की आंच मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा आपका ये लोबिया मसाले वाला लोबिया तैयार होगा। नाम बताता है मसाले वाला, तो हैसवी मसाले वाला। मैं इसको इतना पकाऊंगा कि ये ऑयल छोड़ दे, होगा क्या स्लो आंच पे कुक होगा ये मसाला, ये तो मसाला फूल जाता है, मसाला अपना फुल फ्लेवर लेके आता है, कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाती है। भुना भुना मसाला हमारे अमूमन वो कहते हैं खाना अच्छा है बुरा, मैं कहता हूँ कोई चीज़ बुरी नहीं होती, इट्स हाउ यू मेक इट। तो अगर हम जल्दी में खाना बनाते हैं, अमूमन हम बहुत तेज़ आंच में खाना पका रहे होते हैं, भुनाई हम नहीं करते, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लें, जस्ट टेक यू स्वीट टाइम, थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लें आप, और उसके बाद देखिएगा ये बहुत अच्छा ऑयल छोड़ देगा, ऑयल छोड़ देगा। इसका एक दो चीज़ें और डालेंगे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इसने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला फूल के ग्रेवी अच्छी से बन गई इसके अंदर। हम क्या करेंगे इसमें, चने ये जो हमारे सॉरी ना, इसमें हम क्या करेंगे लोबिया, ये जो 2 कप लोबिया है ये इसमें शामिल कर लेंगे। सही जी। अच्छा अपने क्या करना, लोबिया डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन इतना कि पानी में डूब जाए। 2 कप पानी डालने के बाद इसका इतना वेट करेंगे कि ये उबल जाए, फिर हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ पे मुझे इशारा मिल रहा है कि छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे और बनाएंगे जबरदस्त किस्म का चिकन बर्गर। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, यहाँ पे देखें उबाल आ चुका है, और उबाल आने पे आप उबाल जब आ जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, एक अदद चिकन क्यूब बाजार में मिलती है वो ले लें, अगर नहीं है तो ना डालें, तो लोगों को बड़ा एक मज़ा इसका है वो आ जाता है। तो ये चिकन क्यूब ले लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें अंदर 2 चीज़ें और, इमली कुछ भी नहीं है, इमली को मैंने कोई चटनी नहीं बनाई, इमली को बस मैंने गर्म पानी में घोल के रखा है, देखिए इसमें बीज भी हैं। सिर्फ इसका पानी आप कितना डालेंगे, मैं कोई 2 टेबलस्पून डाल रहा हूँ, हल्की सी खटास आए आप देख लीजिएगा, आपको कम पेश और डालना डाल दीजिएगा। और इसी के अंदर फिलहाल 2 टीस्पून हरी चटनी ये डाल के आपने इसको बस यहाँ पे धीमी आंच पे छोड़ देना है। खतरनाक काम ही हो रहा है कि मैं ऑयल के साथ साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमें बनाना है बर्गर, और कहाँ गया, हमें बनाना है चिकन बर्गर। चिकन बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए बन और बर्गर पैटी बनाएंगे, नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे सबरोसो, जो कि डेकेड से अरसा दराज से काम कर रही है, पोर्टीज के नाम से काम करते थे। इसके अंदर देखें पैकेट्स हैं, 6 बर्गर पैटी हैं, रेडी टू कुक, निकालना है आपने कुछ नहीं करना है, ऑयल आपका गर्म हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये निकाल लिए, दे ऑलमोस्ट रेडी टू कुक, सिर्फ मैं ऑयल का वेट कर रहा हूँ, जब तक थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, ठंडे ऑयल में डालना नहीं चाह रहा हूँ, बाहर मत छोड़िएगा, फौरन तल लीजिएगा। एक काम करते हैं, जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है आप चले लेमन मैक्स का एक मैसेज है, देखें वो क्या दिखाते हैं हमें। शेफ्स एक्सपर्ट होते हैं, हम प्रेफर करते हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस, इसीलिए लेमन मैक्स बेस्ड, क्योंकि लेमन मैक्स बेस्ड काटे चिकनाई सबसे बेहतर, बिना वेस्ट, बेस्ट तो बेस्ट, बिना हो वेस्ट, लेमन मैक्स बेस्ड, 0 ग्रीस 0 वेस्टेज। तो आपने इनका मैसेज देखा, यहाँ पे ये ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है इस ऑयल में, अगेन बहुत गर्म भी नहीं है ना हो कि फौरन जल जाए, ये फ्रोजन है मीडियम हीट पे, ये बच गया, बाद में यूज़ करेंगे।
आई थिंक इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है तो जो सबरोसो के बारे में बता रहा था कि सबरोसो चिकन मीट भी है इसका, थाई और ब्रेस्ट भी, ओनली थाई और ब्रेस्ट यूज़ करते हैं ये, कच्चे भी मिलते हैं फ्रोजन फॉर्म में, आई यूज़ इट अ लॉट, और दूसरा रेडी टू ईट फॉर्म में भी है, तो जैसे माइक्रोवेव कर रहे हैं आप या ओवन में बेक कर लें, उसमें विंग्स हैं और थाई सॉरी टिक्का, अमेजिंग, यू कैन ट्राई दोस। और यहाँ पे जैसे मैं ये फ्राई कर रहा हूँ इनके चिकन बर्गर के लिए, बर्गर पैटी, और साथ ही साथ यहाँ पे काम करेंगे कि मैं थोड़ा सा चूल्हा गर्म कर रहा हूँ। चूल्हा जब तक गर्म हो रहा है एक काम करते हैं, मुझे चाहिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। मैं बड़ी मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ आज, दो तीन चीज़ें साथ साथ हैं, कोई आधा कप पानी, उसमें एक टेबल स्पून हो गया, एक चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये घोल लेंगे और यहाँ पे इसमें हम डाल के इसको ज़रा उबाल ले आएंगे ताकि फर्स्ट क्लास गाढ़ा हो जाए, तो गाढ़ा है लेकिन हल्का सा और गाढ़ा है, पानी पानी ना हो, सही जी, हाय हाय हाय, सही जी। ये आपने यहाँ पे इसको देखते रहना है, ये हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, बंद को सेकना है, और सेकने के लिए हल्का सा मैं यहाँ पे इसको आँच अब कम कर लूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सुपर हैवी ऑयल, एक चाय का चम्मच, जस्ट इनफ के लिए बन आपके सिक जाए। सिकते तो बड़ा अच्छा है, इसमें खुशबू आती है, जायका आता है, उसे हिलाते रहेंगे। तो ये हो रहा है, इसको नजर रखते हैं, देखिए गाढ़ापन आ गया है, ओहो दे गुड, ये भी रेडी, चूल्हा स्काई बंद, थोड़ा सा हल्का सा, ओके जी। जब तक ये हो रहा है एक दो मिनट लगेंगे, ये जनाब ये देखें, हुई 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 हुई। अब इस पर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा डाल सकते हैं, आज शो यू वो क्या है, बेहतरीन। इसको मैं फिलहाल साइड में रख लेता हूँ, इसको आखिर चटपटा करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए नेशनल का चाट मसाला, सही जी, ये हो गया। और इसको बस आप यहाँ देखते रहिएगा, ये ऑलमोस्ट तैयार, और सिर्फ इसको फिनिश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, बेहतरीन, सही जी। ये तैयार है आपका, ये चूल्हा बंद, ये बंद आपके सिक गए, ओहो हो, चेक दिस आउट, यहाँ पे इसको भी मेक श्योर, आई नो मैं तो भाग रहा हूँ, बस अलट पलट लें ताकि हर तस्वीर बराबर कुक हो जाए, और फ्लेवर्स आपके हाथ में। वैसे नेशनल कहता है कि थिक एंड बड़ा रिच जो फ्लेवर है इसका, वो नेशनल केचप का है, तो मैं यहाँ पे नेशनल का केचप डाल देता हूँ थोड़ा सा, सही जी, ये हो गया। साथ ही साथ इस पे रखते हैं सलाद पत्ता, अच्छा इस हिस्से पे क्या डालेंगे, आप केचप डाल सकते हैं, मेयोनीज डाल सकते हैं, लेकिन घर में अगर चटनी है चटनी लगा लें, इट बी अ नाइस कॉम्बिनेशन, सही जी, ये हो गया। यहाँ पे मैं जब तक वो तैयार हो रही है चीज हम खोल के रख लेते हैं, ओके जी ये भी तैयार है, वी आर ऑलमोस्ट रेडी। यहां पे हमारी चिकन, निकाल लिया आपने, बेहतरीन, हाय 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 हाय, इस पर अपना फौरी आपने चीज़ डाल देनी है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए,
अल्टीमेटर, इसको आपने कैप पहनाई, ये आपके बर्गर तैयार है। इजी, फास्ट, जिंदगी में हर चीज मुश्किल नहीं होती। और इसके साथ जो चीज बनती है वो स्प्राइट कहते हैं। आपकी गर्मी में प्यास बुझाए, लू हो खासतौर पे, या जब रमजान की इफ्तारी हो, तो इसको आप देसी खानों के साथ तो गोस वेरी वेल। तो ये ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप जो रेसिपी बनाई है आपको पसंद आई होगी। चाट आपने ट्राई करनी है, मुझे बतानी है कैसी बनी। ब्यूटीफुल, अगेन थोड़ा हटके है, हम हमेशा जो टिपिकल चना चाट खाते आए उससे डिफरेंट है। मेरे कहने में ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर यू गन लव इट। बाकी के क्विक बर्गर, क्विक फिक्स, बच्चों को आपको स्कूल से आ रहे हैं या अचानक रात को इफ्तार के बाद, बाज़ार लोग भूख नहीं लगती है, 11 बजे भूख लग रही है, देयर इज नथिंग। आपने फ्रीजर खोला, सबरोसो जो कि साबिर पोल्ट्री फार्म्स के नाम से पहले काम करते थे कई सालों से, डेकेड से, उसके आपने ये रेडी टू कुक चीज़ थी, चिकन के जो पैटी है वो निकाला, फ्राई किया, आपने क्विक बर्गर फिक्स कर लिया। वो तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, होप ये शो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह इंशाअल्लाह और रेसिपीज लेके आएंगे इस शो पे। आप से चाहते हो इस वादे के साथ कैसे मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।